असलमेकम एवरी एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप अपने घरों में बहुत खुश होंगे वेलकम टू अनमोल्स किचन आज हमारे किचन में बन रही है चिकन जल जलफ्रेज़ी जो बनती है बहुत ही मज़ेदार और बनानी है बहुत ही आसान इसे हम सर्व करेंगे रायते के साथ चावलों के साथ बॉयल्ड राइस के साथ ये बहुत मज़ेदार लगती है और इसे रोटी के साथ भी खाया जा सकता है पर ज़्यादातर जो है इसे बॉयल्ड राइस के साथ खाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब बनती है इसे कैसे बनाना है मज़ेदार जूसी टेंडर वो सब मैं आपको बताऊंगी तो चलें शुरू करते हैं बिसमान हाफ के जी मैंने लिया है बोनलेस चिकन जिसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया है इसे अच्छी तरह से धोकर हमने साफ कर लिया है और अब लेंगे एक बाउल इसे मैरिनेट करने के लिए उसमें मैंने डाला है चार टेबल स्पून जोगर जोकर को अच्छी तरह से हम विस्क करेंगे ताकि उसमें लम्ब्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ अब इसमें शामिल कर दिया है मैंने एक पैकेट जलफ्रेज़ी मसाला इसमें घर के मसाले जो हैं हम शामिल नहीं करेंगे ये इंस्टेंट जो है तैयार हो जाती है इसमें हमने एक पैकेट जो डाल दिया है अब डाल देंगे एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसमें शामिल कर देंगे अब चिकन और चिकन को कर देंगे मिक्स और इसे आधे घंटे के लिए हम मेरी होने के लिए छोड़ देंगे अब लेंगे कढ़ाई कढ़ाई को रख लिया है मैंने चूल्हे पर और फ्लेम को कर लिया है मैंने मीडियम इसमें डाल दूंगी मैं तकरीबन पाँच से छः टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दूंगी टमाटर जो मैंने स्लाइस कट कर लिए हैं टमाटरों को मैंने छील के अच्छा सा उनकी कटिंग कर ली है इसका पेस्ट बना के ना डालिएगा क्योंकि इस तरह जो इसका टेस्ट आएगा वो पेस्ट से नहीं आएगा हमने टमाटरों को पील ऑफ कर लिया है और कटिंग करके डाल दिया है ऑयल में और इसे अब करेंगे थोड़ा सा फ्राई और थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं और इनको फिर हम चमचे की मदद से मैश कर लेंगे हमने जो है टमाटरों को थोड़ा सा पानी डाल के ढक दिया था पाँच मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब ये जो है नरम हो गए हैं अब स्पून की मदद से हम इसे अच्छा सा मैश कर लेंगे अच्छी तरह से इनको जो है फ़ाइन सा इसका पेस्ट बना लें देखें कितने अच्छे हमारे टमाटर जो हैं हमने मैश कर लिए हैं और इनकी अच्छी सी भुनाई भी हो गई है अब इसमें शामिल कर देंगे मेरीनेशन वाला चिकन और उसे भूनेंगे अच्छे तरीके से जब तक उसका पानी खुश्क हो जाए चिकन जो है हमने तकरीबन आठ से दस मिनट के लिए भून लिया है और अच्छा सा जो है हमारा चिकन भुन चुका है अब इसे हम ढक देंगे पाँच से दस मिनट के लिए ताकि इसका अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए देखिए हमारा चिकन रेडी हो चुका है चिकन भी सॉफ्ट हो गया है और मसाला भी हमारा रेडी हो गया है अब इसमें हम शामिल कर देंगे सब्जियां सब्जियों में मैंने लिए हैं शिमला मिर्च उसको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है और हमने लिए हैं प्याज़ उनको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है प्याज़ों को और शिमला मिर्च को हम डाल देंगे चिकन में और इसे एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे और इसको ढककर कर पाँच से दस मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि सब्जियां जो हैं हमने ज़्यादा नरम नहीं करनी चाइनीज़ जो भी खाने होते हैं उनमें जो है सब्जियां थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती हैं ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो ये वो लुक नहीं देती वो टेस्ट नहीं देती तो हम इनको थोड़ा सा रखेंगे क्रंची सा थोड़ा सा हम इसे दम लगा कर पका लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह लाला हमारी जलफ्रेजी होगी है रेडी और बहुत ही खूबसूरत लग रही है जलफ्रेजी होगी है हमारी रेडी अब इसे सर्व करेंगे बॉइल्ड राइस के साथ तो चलें इसे अब करते हैं डिश आउट जलफ्रेजी और बॉयल राइस बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब थम्सअप एंड शेयर अल्लाह हाफ जी बाय बाय